नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बत्र और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल बत्रा जी की रसोई में। आज हम बनाएंगे अमृतसरी छोले। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि अमृतसरी छोले किस तरह से बनेंगे और उनमें आपको किन किन चीजों की मसालों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं अमृतसरी छोले बनाने। तो आइए अब देखते हैं कि हमें सफेद चने बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चाहिए होंगे सफेद चने, जो कि आपको बाजार में मिल ही जाते हैं। ये मैंने इसके अंदर जो लिए हैं, ये छोटे चने लिए हैं, जो कि इसमें भी दो तरह के, तीन तरह के चने आते हैं। तो हमने मीडियम साइज के जो चने हैं सफेद, वो लिए हैं। हमने काबुली चना नहीं लिया, आप चाहें तो काबुली चना भी ले सकते हैं। इसकी क्वांटिटी जो है वो हमने रखी है 250 ग्राम। इसके लिए साथ में हमें जो जरूरत पड़ेगी इंग्रेडिएंट्स की, वो पड़ेगी 2 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 7 से 8 दाने काली मिर्च के, 4 पीस लौंग, 1 मोटी इलायची, 4 हरी छोटी इलायची और 8 से 10 दाने सफ़ेद काली मिर्च के। इसके साथ हमें चाहिए होगा भुना हुआ जीरा, छोलों का मसाला जो कि मैंने MDH का यूज़ किया है। आप किसी भी कंपनी का लेकर के, जिसमें खासकर अनारदाना हो उसको यूज़ करें, क्योंकि अनारदाने से टेस्ट छोलों का और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें मैंने 1 टीस्पून छोलों का मसाला लिया है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, 1/2 चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच अमचूर लिया है, थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा ही गरम मसाला लिया है। इसके साथ मैंने यहाँ पे 2 इलायची, थोड़ा सा कटा हुआ बारीक अदरक, 1 चम्मच हमने लिया है इसके अंदर कसूरी मेथी और 1 चम्मच लिया है सफ़ेद जीरा। तो आइए अब चलते हैं, देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम छोलों को लेंगे और छोलों को उबालेंगे। इसको हमने 7 से 8 घंटे भिगो करके रखना है, ताकि छोले जो हैं, चने जो हैं आपके, वो सही तरह से बन सकें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने ये छोले रात भर भिगो के रखे हैं और अब इसको हम कुक करेंगे। तो इसको कुक करने के लिए हमें कुकर चाहिए होगा, जिसमें हम इसको डाल देंगे सारे छोलों को। इसमें हम अब पानी डालेंगे। पानी हमें सिर्फ उतना ही रखना है जितना कि इसमें ये चने भीग जाएं, उससे ज़्यादा पानी नहीं रखना, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर पानी रखेंगे तो इसका स्वाद कुछ अलग ही हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे 2 तेज पत्ता, 2 दालचीनी का टुकड़ा, इलायची, मोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और सफेद मिर्च। इसके अंदर अब हम थोड़ा सा डाल देंगे मीठा सोडा, जिसको कि आप बेकिंग सोडा भी कहते हैं, वो डाल दिया जाएगा, ताकि हमारे छोले अच्छी तरह से गल सकें। अब जो हमने ये चाय पत्ती ली थी, इसको हमने उबालना है। उबालने के लिए इसमें हमारे को एक पैन चाहिए होगा और 2 गिलास पानी। तो उबाल लिया है और उबालने के बाद इसको छानकर इसमें डाल देंगे, इस पानी को डाल देंगे।
इससे क्या है कि एक तो आपके छोलों का कलर बहुत बढ़िया आएगा और ये छोले ऐसे लगेंगे जैसे कि आप बाहर के बने हुए छोले खा रहे हैं। इसमें एक छोटा चम्मच हम साथ में नमक का भी डालेंगे ताकि नमक इसमें अच्छी तरह से मिल जाए। अब हम कुकर को 4 विसल्स इसकी जो है दिलवाएंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आइए हम देखते हैं कि हमारे छोले बने हैं या नहीं बने हैं अभी तक के। इसके लिए हमने इस पर 5 सीटियां दिलवाई थी कुकर के अंदर, तो आइए इसको खोल करके देखते हैं कि हमारे छोले गले हैं अभी या नहीं। ये देखिए छोलों का रंग क्या बढ़िया आ गया है, देख रहे हैं। और अब देखते हैं ये गले हैं या नहीं गले। ये देखिए हमारे छोले कैसे गल गए हैं, यही हमें चाहिए था। तो ये अब गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन छोलों को और पानी को अलग कर लेंगे। हम छोलों को कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे ताकि इसका एक एक पीस अच्छी तरह से जो गर्मपन है इसका वो निकल जाए और इसको पानी से अलग कर लेंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने छोलों को और पानी को अलग अलग कर लिया था। छोले हमारे रेस्ट कर चुके हैं, इसको हमने ठंडा करने के लिए 5-1 मिनट के लिए रखा था। अब हमें क्या करना है, गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई लेकर के उसमें 50 ग्राम या 60 ग्राम सरसों का तेल डालेंगे। यह मैं सरसों का तेल यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो देसी घी या रिफाइंड या किनोला ऑयल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब हमारा यह तेल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब इसके अंदर हमें अपने मसाले मिक्स करने हैं। मसाले मिक्स करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे जीरा। ये देखिए क्या बढ़िया हमारा ये हुआ है। इसी के साथ इसमें डाल दिया जाएगा, ये सभी मसाले इसके अंदर डाल दिए जाएंगे जो भी हमने उस इकट्ठे किए थे। गैस को बंद कर लीजिए, इसको हिला करके क्या खुशबू आ रही है देखिए, एक तरह से आपका पूरा का पूरा इसका मसाला बन गया है। और इसको हम अब इन मसालों को हम जो हमारे तेल में गर्म किए थे इनको गर्म गर्म ही हम अपने छोलों के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए ये इसके ऊपर डालने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो आपके छोले हैं वो अच्छी तरह से सभी मसालों को पी जाएंगे। अब इसी पैन के अंदर जो पानी हमने अलग करके रखा हुआ था उसको हम इसमें डाल देंगे। और 5 से 7 मिनट इस पानी को उबालेंगे। ये देखिए पानी को उबाल आ चुका है। अब सबसे पहले इसमें हम छोले जो कि जिस पे हमने ऑयल वगैरह डाला था जो हमारे बने हुए हैं इनको हम इसमें डालेंगे। जो मसाला था वो छोलों में अच्छी तरह से रम चुका है। अब इसमें हम स्टार्टिंग में आपको ध्यान होगा कि हमने नमक इसके अंदर सिर्फ जब उबाला था तभी डाला था। नमक इसमें आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैं इसमें 200 ग्राम के अंदर 2.5 चम्मच
टोटल नमक डाल रहा हूँ। एक चम्मच हम पहले डाल चुके हैं और डेढ़ चम्मच मैंने अब डाला है। डेढ़ चम्मच हमारा ये छोटा जो अपना नमकदानी का होता है मैंने ये वाला डाला है। अगर आप टीस्पून में डालेंगे तो एक चम्मच टीस्पून छोलों के लिए काफी रहेगा। अब इसमें हम मिक्स कर देंगे साथ में दो हरी मिर्च जो हमने बीच में से दरदरी काट करके रखी हुई है। इसको आप चाहें तो इसका बीज भी निकाल सकते हैं। बीज निकालने में क्या होगा कि जो लोग तीखा खाते हैं नहीं खाते हैं उनके लिए, क्योंकि मिर्च हमने पहले भी डाली हुई है, काली मिर्च भी डाली है इसके अंदर, तो इसको हम निकाल सकते हैं। इसमें हमने कटा हुआ अदरक लिया था जो कि हमने लच्छेदार लिया था, ये हमने डेढ़ इंच का टुकड़ा और डेढ़ बाई एक का टुकड़ा लिया था जिसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट करके रखा हुआ था, उसको भी साथ में ही डाल देंगे। इसके बाद हमने थोड़ा सा छोले जो है वो अलग कर लिए थे, इन छोलों को हम चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे और इन छोलों को भी छोलों को मैश करने के बाद हमने इसमें डाल दिया है। और अब हमारे पास रह गई ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को सबसे लास्ट में हम लोगों ने डालना है क्योंकि इससे छोलों का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब हम इन मसालों को थोड़ी देर छोलों के अंदर पकाएंगे। इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हमारा छोले जो है वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए उबाल आ चुका है अच्छी तरह से। ये सभी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो गई हैं, देख रहे हैं हम। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा हो करने के बाद सर्व करेंगे। ये देखिए छोले हमारे। इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि इसके लिए हमें थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए होगा। ये मैंने अपने पास हरा धनिया रखा हुआ है कटा हुआ बारीक, इसको इस पर डाल दीजिए। और मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ये देखिए हमारे छोले किस तरह के बने हैं, क्या खुशबू है इन छोलों की। ये तो जब आप बनाएंगे और जो मसाले मैंने बताए हैं और जिस तरीके से मैंने बताया है आपको उस तरीके से आप बनाएंगे और खाएंगे तभी पता लग पाएगा। ये देखिए छोले हमारे। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट रेसिपीज मिलती रहें। थैंक यू।